एक तो आपसे खैर संबंधित नहीं है, सरकार से संबंधित है जो स्कॉलरशिप वाला मामला 2023-24 की बच्चे सत्र चालू हो गया 23-24 का, और 22-23 के कई बच्चों की स्कॉलरशिप आज भी नहीं है। वही 21-21 की भी कई बच्चे ऐसे जिनकी स्कॉलरशिप नहीं है, और कुछ बच्चों के ही वो भी 1-30 का ही है। इन सब हाँ सर, तो इन सब एक तो मामला, दूसरा कि एक कंप्यूटर और इनकी फीस बढ़ा दी गई। सर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जन भागीदारी अध्यक्ष की सहमति से बढ़ी क्या है? नहीं, जन भागीदारी नहीं, अपन ने पूरा, हमने उस समय भी, अपन जब आप भी बैठे थे उस समय विधायक सामने, नहीं उस समय तो हमने मना कर दिया था विधायक जी, और हमने कि अभी इसमें फीस बढ़ाने में कोई निर्णय नहीं होगा। उसके बाद जब ये फीस बढ़ी तो ये किसकी सहमति से बढ़ाई गई है? हमको आयुक्त कार्यालय में हमको मीटिंग में बुलाए थे, उस समय हमको सबको बताया गया था भाई आपको फीस बढ़ाने के अलावा कोई, क्योंकि हमारे पास वेतन कहाँ से देते? पूरा मध्य प्रदेश में आज यदि कंप्यूटर का यदि क्लासेस लग रहा है पूरा मध्य प्रदेश में, मैं यहाँ का इस कॉलेज का नहीं बता रहा, सब मध्य प्रदेश हर हर जगह की स्थिति अलग रहती है। यहाँ पर मजदूर बाहुल क्षेत्र अभी कोरोना के बाद 3500 मजदूर को बाहर कर दिया। बात सुने आप सर, आपने 7500 फीस कर दी, 6000 यहाँ की, 1500 रुपए ऑनलाइन जो भी कटा है, 7500 फीस अगर यहाँ भरेगा तो सेसाई कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेगा बच्चा? आपका आप खुद ही बता दो अभी कंप्यूटर में कितने एडमिशन हुए? नहीं कम, देखो मेरा पूरा बात सुनिए, हाँ। जो हमने इस मैं बता रहा पूरा मध्य प्रदेश, हाँ। एक का इस कॉलेज नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में यदि नागदा कॉलेज का फीस जिसमें कम है जितना जिस किसी भी कॉलेज में, बोले एक कॉलेज नहीं बता, पूरा मध्य प्रदेश में जहाँ कम है उससे यदि ज्यादा हो तो उतना कम करने का तैयार। नहीं सर, पूरे मध्य प्रदेश की आप बात छोड़ दो, वहाँ पे रोजगार के साधन भी बहुत है। तो क्या आप इस क्षेत्र की जो दृष्टि है उसको देखो ना, मजदूर बाहुल क्षेत्र है, ठेकेदारी में बच्चा काम करता है, यहाँ पढ़ने आता है, आपने इकट्ठी 100 गुना फीस बढ़ा दी आपने। आपसे ही पूछे थे, मैं तो पूछे, मैंने ना कर दिया था सर 6000 का, मैंने बोला था नहीं, मैंने ना कर दिया 6000 का। बात सुनो, आपने मेरे से यहाँ पूछा था, मैंने बोला था पहले आप जन भागीदारी अध्यक्ष से निर्णय ले लो, मैं कोई निर्णय वाला लेने वाला नहीं, उसमें जन भागीदारी अध्यक्ष निर्णय लेगा। मैंने मना कर दिया था उस समय, मना कर दिया था, तो फिर मैं डबल क्यों बोलूँ आपसे? आप सुनिए अभी, अब सुनिए मेरे बात, आपके जवाब मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। एक तो महाविद्यालय में पूरे मध्य प्रदेश से सबसे कम है नंबर, यदि आपको इसी कारण से आपको कोई परेशानी आ रहा है तो आपको अगले बैठक में उसको बोल के उससे कम करा दी जाएगी। आप मेरी बात सुनो सर, अगर आप कम नहीं कराओगे ना तो सेकेंड ईयर में ये स्थिति रहेगी कि बच्चे टीसी निकाल के बाहर हो जाएंगे आपके कॉलेज से। उसके बाद कि आपके यहाँ से 7500 में पढ़ने से अच्छा है कि सेसाई कॉलेज में सेकेंड ईयर वही पढ़ेगा ना, 8000 रुपए दे के 500 ज्यादा लग रहा है, उससे ज्यादा और क्या लग रहा है, और बार्गिंग भी हो जाएगी उसको, 7500 पे भी राजी हो जाएंगे। मेरे बात तो सुनो है, मेरे बात तो सुनो, मेरे बात तो 2 मिनट रुको, तो आपके बच्चों के हित में ही हम काम करते हैं, इनको जितना फीस मिलता है उनको स्कॉलरशिप दिया जाती है। सर 2021 की स्कॉलरशिप नहीं है तो बच्चे, आप एक बात बता, सीएम हेल्पलाइन स्कॉलरशिप को लेके कितनी हुई आपके महाविद्यालय? विषय पर सोचने वाली बात है, तो फिर आप बात सुनो, एक टाइम 7500 रुपए काटोगे, किस्त होती नहीं है, वो किस्त बोला ना मैंने, है ना, वो किस्त में बोला, अगर स्कॉलरशिप नहीं तो आप प्राचार्य भरेगा क्या फीस, ये बता दो आप, जनरल वाला बच्चा विधायक क्यों भरेगा, बड़ा विधायक क्यों भरेगा, जन भागीदारी अध्यक्ष भरेगा फीस बच्चों की, अगर स्कॉलरशिप नहीं है, अगर आप ये बात, स्कॉलरशिप कॉलेज में भी मिलती है। मेरे बात सुनो यार पूरा, सेकंड एक बात तो मुद्दा ये बताया मैंने, प्रदेश में जितना वो कम है सबसे कम हमारा कॉलेज है, फिर भी इसमें कोई आपत्ति आ रहा है, अगले बैठक में इसको जितना संशोधन हो सकता है संशोधन करेंगे। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक पीजी किया गया कोई भी स्टाफ फैकल्टी एमकॉम कंपनी एमएससी एमटेक करके आता है, मजदूर से भी कम से कम वेतन मिल रहा है उनको, यानी एक लैब टेक्नीशियन, आप बीएससी करके जाते हैं, आपको पढ़ाने वाले टीचर एमटेक या सर, ये सब शासन की गलतियां, ये कोई इन बच्चों की गलतियां नहीं है, शासन इस पे विचार करेगा। आप शासन को लिख दो था कि यहाँ स्टाफ की कमी, इन बच्चों की थोड़ी, आप बच्चों से थोड़ी वसूलोगे अगर शासन काम नहीं कर रहा है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स में बच्चों से लिया जाता है, सेल्फ फाइनेंस पहले भी चले हैं सर, मैं भी जन भागीदारी अध्यक्ष रहा, मैंने लेप बना के दिया, आपने उस लेप को भी नहीं चालू करा आज तक, मैंने कई बार बोला कि उसको लेप बना लो, फिर उस पर फीस, पहले बच्चों को सुविधा तो दो, उसके बाद आप लेप फीस बढ़ाओ, बच्चों को तो सुविधा है नहीं, लेप कंप्यूटर कितने खराब पड़े हुए थे। ठीक है, अपना अगले 11 तारीख शनिवार को बैठक रख रहा है। ये किस बैठक पे किस कौन कौन थे, मेरे को तो ये पूछना है, तो ऐसे कैसे बढ़ा दी सर फीस बिना जन भागीदारी की सहमति से? बात उसको हमको शासन का निर्देश मिला था, फिर जन भागीदारी में थोड़ी मिला था आपको, ये तो जन भागीदारी डिपेंड करता है, उनको नहीं पता था क्या फीस बढ़ी है, पता तो है लेकिन सहमति होगी उनकी तभी तो बढ़ाई गई सर।
अब आपका निराकरण आपके हिसाब दीजिए, हम निराकरण सर 7 दिन के अंदर इसको डिसीजन लेना है कि फीस आप कम करो, मैं कॉलेज बंद करूंगा 7 दिन, स्पष्ट बात है। क्योंकि बताऊँ बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चे आप 8 एडमिशन हुए बीकॉम फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर में, आप देख लो सीएसआई कॉलेज में 150 सीट है, 100 से ज्यादा भरा गई वहाँ। सेकेंड ईयर में भी बच्चे टीसी निकाल रहे हैं, पढ़ना ही नहीं चाह रहे बीकॉम सेकेंड ईयर कंप्यूटर से यहाँ, क्योंकि 7.5 यहाँ देंगे, इससे अच्छा वहाँ नहीं पढ़ेंगे टीसी निकाल के। वहाँ क्यों पढ़ना चाहते हैं, यहाँ क्वालिफाइड स्टाफ है, यहाँ तो क्वालिफाइड स्टाफ है। अरे सर इतनी फीस में क्यों पढ़ेगा, यहाँ तो मजदूर के बच्चे हैं ना सर। फीस की कोई बात ही नहीं है, फीस जहाँ पे ज्यादा होता है बच्चे भले ही, आप बता दें वहाँ क्यों पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे, आपको ज्यादा नॉलेज होगा इस चीज का। मेरे को नॉलेज है ना नंदू, तभी तो बोल रहा हूँ। तो बताओ ना सर क्यों पढ़ना चाह रहे बच्चों, जहाँ पे आप देखो धर्मशाला में या आई कैंप में कहीं लगता ना भाई आपको मुफ्त में इलाज करा था, कोई नहीं जाएगा। यदि डॉक्टर आ रहा है भाई मुंबई से आ रहा है तो वो बोलेगा भाई बहुत अच्छा इलाज होगा, अरे और बहुत अच्छा मुंबई का डॉक्टर आ रहा है, बात ये होता है। धीरे धीरे मैनेजमेंट आप देखना, अगर आप कोशिश करोगे ना तो सेकंड ईयर में कर दोगे बच्चे अगले बैठक में, हम आप ही बैठोगे। कब बैठक होगी सर? शनिवार की बैठक होगी। हाँ सर, ये 7 दिन के अंदर आप बैठक हो रहे हैं, आपके सामने बात करेंगे। मैं तो इसमें हुई नहीं, जिसने बढ़ाई फीस वही कम करे। आप साथ में रहोगे ना? अरे आपको लेटर दे रहे हैं अब तो, आप साथ में साथ फिर जन भाई एक उसमें आपने 400 रुपए बढ़ा दी जन भागीदारी में, 100 रुपए थे, मैंने भी बोला था कि आप बढ़ा सको तो चलो 200 कर लेना, और उसमें 400 रुपए डायरेक्ट आपने भी नहीं, हमारा स्टाफ काउंसिल का निर्णय है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ मध्य प्रदेश स्टाफ है, हम स्टाफ काउंसिलर, उसमें भी आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि 400 रुपए जन भागीदारी के टाइम 100 रुपए फीस थी, और आपने मैंने बोला था ठीक है आपको अगर ऐसा लगता है कि गैदरिंग में कम होता है या गैदरिंग में, उसमें भी मैंने बोला था आप अगर 5 रुपए अपन लेते हैं तो 50 रुपए अगर आप बढ़ाओगे तो बच्चों को खाना देना पड़ेगा गैदरिंग में, इसलिए मैं उस 50 पे भी राजी हुआ था कि अगर बच्चा अपन नाश्ता नहीं दे पाते 5 रुपए में तो चलो उसमें 10-20 रुपए बढ़ा देंगे तो खाना दे देंगे। देखो नंदू आप फिर मतलब आपको मीडिया के सामने मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, जो भी करेंगे शासन का बच्चों के हित में ही करते हैं। नहीं सर नहीं, यहाँ पे किसी का मान लो कई बच्चे ऐसे जो आप स्थिति देखना उन बच्चों की, ऐसी स्थिति है कि कोई बच्चे पढ़ा के ना अपना फीस भरते और घर भी चला रहे, उन बच्चों को बहुत तकलीफ आएगी है जो आपने फीस बढ़ाई। देखो ऐसा इतना स्कूल चल रहा है महाविद्यालय में नागदा में, एक एक महीने में 2,000-2,500 रुपए फीस भरता है, यहाँ पूरा साल भर के कॉलेज में 1,000 रुपए फीस है, इसलिए तो बच्चा यहाँ सरकारी में आता, प्राइवेट में नहीं जाता, बढ़ता है तो फिर सरकारी में क्यों जाएगा? आपके पास 15,000-20,000 का मोबाइल चलाते हैं। अरे सर ये सब एक अपन अगर करेंगे ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति मुद्दा नहीं, आप मुझे बता दो आप भी 1.5-2 लाख रुपए कमाते किसी एक बच्चे के, किसी टीचर ने फीस भरी है तो ये बता दे मेरे को, ये तो आप पे भी डिपेंड करता, आप भी बढ़ते करो 4-5 बच्चों की, 5-5 बच्चे गोद ले लो, आप भी बीकॉम कंप्यूटर के चलो फीस कम मत करना, 5-5 बच्चों की आप पूरा स्टाफ फीस भर दे, जो मंजूर है हम बच्चों को, ये मेहनत की पढ़ाई की ईमानदारी की कमाई हमारी फोकट में नहीं मिलता है सर, बच्चों के भी माँ बाप को फोकट में थोड़ी मिलता है, शासन का ही भैया, अगर वो मोबाइल ला रहा है तो वो कोई चोरी करके थोड़ी ला रहा, बच्चों के बाप के पिताजी की मेहनत की कमाई से ला रहा है, ये बता रहा हूँ, ये बच्चों के कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं ये आपको सर फीस कम का आप देख लेना, आप करो या नहीं करो आपकी मर्जी है ना, मैं 7 दिन का समय दे रहा हूँ, और जन भागीदारी अध्यक्ष का भी पुतला जलूंगा मैं अगर उसने करिए तो, स्पष्ट कह रहा हूँ मीटिंग में आप भी आओगे? मैं नहीं आऊंगा मीटिंग में तो करते रहे अपन, सबको सीएम मिलकर जवाब दे रहे हैं, उसका भी आश्रम को कितने सीएम, सबसे ज्यादा सीएम इंप्लाई स्कॉलरशिप भी होती है, तो फिर सर स्कॉलरशिप नहीं आ रही बच्चों की तो फीस कहाँ से भरेगा, ओबीसी वाला भी नहीं भर पाएगा ये कंप्यूटर की फीस अगर स्कॉलरशिप नहीं आई बेटे, हमारा हाथ में जो है वो करते हैं, हमारा हाथ में जो है 200 रुपए अपन ले रहे हैं। आप बोलते हो कि वो फर्स्ट ईयर की आप वो स्लिप लेके आओ, जब स्कॉलरशिप क्वेश्चन मनी, आप अगर क्वेश्चन मनी का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो सारी शासन को चली जा रही है 3 साल के अंदर, है ना, आपकी ये प्रक्रिया को आप सुधारो। अगर अपन बच्चों को टीसी दे रहे हैं, अगर उसने फीस भरी होगी तभी तो आपने एग्जाम में बिठाया उसको, बिना एग्जाम में फीस भरे कैसे बिठा लिया होगा, फिर अपन जब उसको 200 रुपए देने की बारी आती है तो जब उससे पर्ची क्यों मांगते अपन? नहीं पर्ची ने आवेदन मांगते, नहीं सर यहाँ पर फर्स्ट ईयर फर्स्ट स्लिप मांगी जाती है, आवेदन नहीं मांगा जाता, मेरा यूँ कहना है नहीं, अभी मैं इसको तो सुधार दूंगा। हाँ, आप बच्चे क्योंकि बच्चों को पता नहीं, आप फर्स्ट ईयर की स्लिप मांगते बच्चे के पास रहती नहीं है तो बच्चा यहीं पे पैसे छोड़ के चला जाता, कम से कम वो क्वेश्चन मनी, अभी आपने 200 रुपए क्वेश्चन मनी बढ़ा दी बच्चों की, तो आप स्पष्ट निर्देश दे दे कि जो बच्चा आवेदन पत्र दे दूंगा वो ये बताएं
कि इस तरह की 200 रुपए आपको कोषण मनी मिलेगी, एक आवेदन दे आपके सामने बोलो। हाँ बुलाओ योगेश, क्योंकि वो बताते नहीं है सारी कोषण। अभी 1 लाख रुपए शासन के पास चले गए आपके, अपन बच्चों को दे देंगे, बच्चों को दो ना, बच्चों का ये अच्छे सुझाव है, ये अच्छे सुझाव को सुझाव अच्छा है, बच्चे के पैसे डूब रहे हैं ना, बच्चों को मिलता ना आपको मिल रहा हो पैसा, किसी का भी बच्चा के हित में होना चाहिए। हम हमेशा चाहते हैं जो भी कर रहा है आपका शासन के हित में, वो बच्चों के छात्र हित में सर्वोपरि। भैया अगले बार जो भी कॉशन मनी के लिए जो भी आता है उनकी नेम अंक सूची ले लो, रेगुलर है अंक सूची के आधार पर, भले वो फेल हो पास हो, वो जाना चाहता है किसी का आवेदन करते वक्त, उनको बिना उस स्लिप के उसके उसके जितना उसने आवेदन उस समय पुराना होगा तो पुराना 50 रुपए, नया होगा तो नया 200 रुपए, उसको तत्काल उसको वापस कर देंगे, प्रक्रिया प्रारंभ ना।